हेलो फ्रेंड्स, आज हम उल्लू की लेटेस्ट वेब सीरीज क्लाइंट नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि इंस्पेक्टर प्रताप अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है, तभी इंस्पेक्टर को कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है और उसे कॉटेज नंबर 21 में जाने को कहा जाता है। इंस्पेक्टर कॉटेज पहुँचता है, बेल बजाता है, मोनी दरवाज़ा खोलती है। प्रताप मोनी को पहली नज़र में देखते ही देखता रह जाता है। मोनी बताती है कि मैंने रमन का खून कर दिया। प्रताप घर के अंदर आकर रमन की लाश देखता है और मोनी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना शुरू करता है। मोनी बताती है कि उसका नाम रमन चड्डा था, हम एक साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। कुछ समय तक साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि वो ड्रग्स लेता है। मेरे मना करने पर वो मेरे साथ मारपीट करता था और ड्रग्स के पैसे भी मुझसे ही मांगता था। रमन मुझे ड्रग्स के पैसे देने के लिए मजबूर करता था और नहीं देने पर मोलेस्ट किया करता था। उसकी इसी आदत से तंग आकर मैंने ब्रेकअप कर लिया, पर उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने धोखे से मेरा इंटीमेट वीडियो बना लिया था, जिसे दिखाकर वो मुझसे 5 लाख रुपए मांगता था। जैसे तैसे यहाँ वहाँ से उधार लेकर मैंने 3 लाख रुपए का इंतजाम किया, उसे 3 लाख दिए भी, लेकिन फिर भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके डर से मैं चुपचाप यहाँ आकर इस रिसोर्ट में रहने लगी, लेकिन वो मुझे ढूंढते हुए तक पहुंच गया। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। रमन अचानक से घर में घुस आता है और उसे कहता है, तुमने क्या सोचा मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? अगर मैंने तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया ना, तो रातों रात वायरल हो जाएगा और तुम रातों रात डर्टी पिक्चर की स्टार बन जाओगी। मोनी उसे जाने को कहती है तो रमन गुस्से में आकर इसका गला दबाने लगता है और खुद को बचाने की कोशिश में ये चाकू से रमन का मर्डर कर देती है। कहानी प्रेजेंट में लौटती है। मोनी कहती है, मैं कातिल हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मुझे जेल भेज दो, और वो रोने लगती है। प्रताप उसे कंसोल करता है और कहता है, टेंशन मत लो, जो भी हुआ सेल्फ डिफेंस में हुआ। प्रताप मोनी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। मोनी कहती है, मैं अनाथ हूँ, जब से मैंने होश संभाला अपने आप को अनाथ आश्रम में पाया, बहुत मुश्किल से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। एक दिन मेरी जिंदगी में रमन आया तो मुझे लगा कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मिल गया, लेकिन उसने तो मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी। तभी कंट्रोल रूम से फोन आता है और ये झूठा बहाना बनाकर मर्डर की बात को छुपा देता है और सारे सबूत मिटाने लगता है। मोनी चाकू का ब्लड साफ करती है और प्रताप सारे फिंगरप्रिंट को मिटा देता है और दोनों मिलकर लाश को एक चादर में लपेट देते हैं। तभी डोरबेल बजती है। ये लड़का तो यहाँ पर खाना डिलीवर करने आया है। मोनी उसे दरवाजे पर ही रोक देती है और जरा सा भी शक नहीं होने देती है। प्रताप कहता है, मेरे हिसाब से इस हादसे में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। अभी दिन का समय है, इसलिए रात के अंधेरे में हम रमन की लाश को ले जा करके जंगल में दफना देंगे। मोनी पूछती है, इंस्पेक्टर साहब आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए? प्रताप कहता है, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, मैं तुम्हें देखते ही पसंद भी करने लगा हूँ, और सबसे बड़ी बात तुम में और मुझ में एक चीज सिमिलर है, तुम भी इस दुनिया में अकेली हो और मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, पर चिंता मत करो, मुझे तुमसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। मोनी बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है, पर प्रताप उसे समझाता है और कहता है, हम पे भरोसा रखो, मैं लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन रमन के कार और मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए हमें उसे अलग से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब रात हो चुकी है। प्रताप मोनी से कहता है, कपड़े बदल लो, नाइटी में बाहर जाओगी तो किसी को भी शक हो जाएगा। अब ये कपड़े चेंज करने जाती है और रिवीलिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती है। प्रताप लाश को घसीटते हुए कॉटेज से बाहर लेकर जाता है और दोनों मिलकर लाश को कार की डिक्की में डालते हैं और हाईवे से होते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। संजोग से उसी हाईवे पर चेकिंग चल रही होती है। प्रताप पहले तो डर जाता है, लेकिन नाके पर अपने दोस्तों को देख उसका डर दूर हो जाता है। ये दोस्तों से मोनी को गर्लफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करवाता है और दोस्ती का फायदा उठाते हुए चेकिंग से बचकर वहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग सुनसान जंगल में पहुँचते हैं, डिक्की से लाश को बाहर निकालते हैं। प्रताप जल्दी जल्दी गड्ढा खोदता है और लाश को दफना देता है। काम खत्म होने के बाद दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। प्रताप मोनी से कहता है, अब तुम अपनी जिंदगी टेंशन फ्री होकर जी सकती हो, तुम्हारा ये राज हमेशा हम दोनों के बीच में ही रहेगा। मोनी कहती है, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब
ये दोनों रिसोर्ट में वापस लौटते हैं और प्रताप मौनी को घर पे ड्रॉप करके उसकी कार को ठिकाने लगाने के लिए जाने लगता है। लेकिन जाते जाते मौनी की मादक अदाएं उसे रोक लेती है और इन दोनों के बीच घपाघप टपा टप का कार्यक्रम शुरू हो जाता है जो कि पूरी रात चलता है। अगली सुबह प्रताप गाड़ी को ठिकाने लगाने जाता है, वापस लौटता है तो मौनी गायब है। ये मौनी को हर जगह ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। तभी रिसोर्ट का लैंडलॉर्ड वहाँ पर आता है। वो बताता है कि वो लड़की तो यहाँ से जा चुकी है लेकिन उसका नाम मौनी नहीं बल्कि मोनिका लहरी है। लैंडलॉर्ड बताता है आज सुबह वो लड़की बहुत डरी हुई थी, बेचारी अपने एडवांस का रिफंड भी लेना भूल गई। अब प्रताप मौनी को कॉल करता है तो मौनी का फोन स्विच ऑफ बताता है और ये देखता है कि इसने जो कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था वो भी डिलीट हो गया है। मौनी ने तो इसे बताया था कि वो 15 दिनों से यहाँ ठहरी हुई है, पुरानी दिल्ली से आई है, पर लैंडलॉर्ड बताता है कि वो तो बस एक दिन पहले ही यहाँ पर आई थी और उसने कहा था वो किसी फिल्म की कहानी लिखने के लिए मुंबई से यहाँ पर आई है और फिल्म की कहानी का नाम था क्लाइंट नंबर 7। अब प्रताप कंट्रोल रूम में कॉल करता है और मौनी के नंबर को ट्रेस करने कहता है और लैंडलॉर्ड इसे मौनी का ये नोट देता है जिसपे लिखा है थैंक यू क्लाइंट नंबर 7। प्रताप समझ जाता है कि मौनी ने इसे अपने हुस्न के जाल में फंसाया और फरार हो गई। अभी अपना फोन चेक करता है, उसने इसके लाश दफनाने वाला वीडियो भी बना लिया था, यानी कि अगर ये उसे पकड़ेगा तो खुद भी फंस जाएगा। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये है रमन चड्डा और ये मौनी का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मौनी का क्लाइंट है और मौनी कोई राइटर नहीं बल्कि एक कॉल गर्ल है। रमन एक बहुत बड़ा बिल्डर है जिसे मौनी ने धीरे धीरे अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उसके साथ इंटीमेट वाला वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करते हुए 25 लाख रुपया और एक कार की डिमांड की है। अब रमन इसे पैसे देने आता है और 25 के जगह 20 लाख लेकर आता है और वीडियो डिलीट करने कहता है, पर वो कहती है 25 लाख की बात हुई थी, अगर 5 लाख और नहीं दिए तो ये वीडियो तुम्हारी बीवी पल्लवी तक पहुंच जाएगी। रमन इसे पुलिस की धमकी देता है पर उस पर कोई असर नहीं होता। ये गुस्से में उसका गला दबाने की कोशिश करता है और मौनी इसके गले में चाकू मारकर इसे जान से मार देती है। तभी ये आदमी घर आता है पर ये कोई रिसोर्ट का मालिक नहीं बल्कि मौनी का चाचा है और ये दोनों मिलकर इसी तरह से लोगों से पैसे लूटा करते हैं। मौनी अपने चाचा को रमन की लाश दिखाती है, दोनों मिलकर लाश को घसीट कर ले जाते हैं, कमरे में छुपा देते हैं और इस मर्डर से अपनी जान छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। अब मौनी 100 नंबर पर डायल करके कंट्रोल रूम में कंप्लेन करती है कि कोई आदमी अचानक से इसके घर में घुस आया है और इसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है और इंस्पेक्टर प्रताप को शॉर्ट में छानबीन करने के लिए भेज दिया जाता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मौनी उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। ये उसकी बातों पर यकीन करते हुए ना सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करता है बल्कि उसे पुलिस से बचाने के लिए सारे सबूत भी अपने हाथों से मिटा देता है। लेकिन मौनी चालाक है, मौका पाकर इसका वीडियो बना लेती है और जब ये गाड़ी को ठिकाने लगाने जाता है उस दौरान ये रमन को दिए हुए 20 लाख रुपयों में से 2 लाख रुपये अपने चाचा को देती है और 18 लाख लेकर फरार हो जाती है और बदले में प्रताप के लिए नोट छोड़ जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। मौनी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करने के लिए रमन के फोन का इस्तेमाल किया था जो कि प्राइवेट नंबर है, इसलिए प्रताप उसे ट्रेस नहीं करवा पाता और इस केस को एक बुरे हादसे की तरह भूल जाना अब इसका आखिरी रास्ता है। और उधर मौनी भी फिर से अपने धंधे पर लग चुकी है और क्लाइंट नंबर 8 की तलाश करनी शुरू कर दी है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ। जय हिंद।